गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकेंड पसीने की कमाई के कितने ये शब्द और अर्थ लिखे थे, और आपको मैंने होमवर्क में कहा था कि इसको रिवाइज करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने रिवाइज किए होंगे। अब हम इसके आगे लिखते हैं, तो आप कॉपी निकाल लीजिए अपनी CW और पेन लेकर तैयार हो जाइए। ठीक है, तो ब्लू पेन से क्या लिखेंगे? बृहस्ती, ब्र ह धसा और थी, बृहस्ती। बृहस्ती यानी होता है परिवार। ठीक है, तो आप लिखिए बच्चों परिवार, लिख लिया बच्चों। अब अगला लिखिए भला मानुस। ठीक है, भला मानुस यानी होता है अच्छा, भला यानी अच्छा और मानुष यानी मनुष्य या आदमी। ठीक है, अब अगला लिखेंगे अचंभा। ठीक है, अचंभा का अर्थ क्या होता है? हैरानी। ठीक है बच्चों, अब अगला लिखते हैं प्रण। प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा। अब अगला लिखते हैं जायदाद। जायदाद, जायदाद का क्या अर्थ होता है? माल। ठीक है बच्चों, आपके शब्द अर्थ हैं वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, तो सभी बच्चे क्या निकाल लेंगे? बुक। बुक निकाल लीजिए बच्चों और पेज नंबर 15। ठीक है, क्या निकालेंगे? पेज नंबर 15। अब इसमें क्या लिखा है? अभ्यास। क्या लिखा बच्चों? अभ्यास। अभ्यास में देखो लिखा है मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो मौखिक यानी क्या होता है बच्चों? यानी कि मुख से बोलना है, और ठीक है, इसको लिखना नहीं होता, बोलना होता है। तो का नंबर पे दिया, ब्राह्मण प्रतिदिन बस्ती में से क्या मांग कर लाता था? ठीक है बच्चों, क्या मांग कर लाता था? भिक्षा। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, उत्तर कैसे देंगे? ब्राह्मण प्रतिदिन बस्ती में से क्या की जंग क्या आएगा? भिक्षा मांग कर लाता था। ठीक है, अब खा नंबर पर देखते हैं, राजा किसका भक्त था? तो किसका भक्त था राजा? ब्राह्मणों का। ठीक है, तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे? राजा लिखेंगे नहीं, बोलेंगे राजा किसका की जगह क्या आएगा? ब्राह्मणों का भक्त था। का नंबर पर देखते हैं, राजा का स्वभाव कैसा था? तो क्या लिखेंगे उत्तर? राजा उदार व दानी था। ठीक है, राजा का स्वभाव कैसा था? उदार व दानी था। अब अगला घा नंबर पर, ब्राह्मण की पत्नी किस बात पर अड़ गई? किस बात पर अड़ गई थी वो? कि ब्राह्मण को राजा जी के यहाँ भेजने के लिए, है ना? तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? ब्राह्मण की पत्नी राजा के यहाँ भेजने के लिए अड़ गई। किसको अड़ गई थी? ब्राह्मण को, है ना? यानी ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को राजा के यहाँ भेजने के लिए अड़ गई। ठीक है बच्चों, अब आप पेज को पलटिए, पेज नंबर 16 पर आ जाइए बच्चों।
सिक्सटीन पेज नंबर देखते हैं हम, तो सिक्सटीन पेज नंबर पर क्या लिखा है, तुलसी घरा में कितने पौधे उगे थे, कितने उगे थे बच्चों, चार, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे इसको, तुलसी घरा में कितने की जगह क्या लिखें, क्या बोलेंगे, चार पौधे उगे थे, ठीक है। अब चार नंबर देखेंगे, ब्राह्मण परिवार को मोती कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए थे, वो जो चार पौधे थे उनसे प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, ब्राह्मण परिवार को मोती चार पौधों से प्राप्त हुए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है, क्या है, अब हमको इसको लिखना है। तो अभी ये हम इसमें इसमें सही उत्तर को किसमें टिक करेंगे, बुक में ही टिक करेंगे, ठीक है। तो का नंबर का देखते हैं, ब्राह्मण को धन की क्या जरूरत, ये शब्द किसने कहे, ठीक है, मैंने ब्राह्मण को धन की, पैसे की क्या जरूरत, ये किसने कहा था। फर्स्ट है ब्राह्मण की पत्नी ने, सेकेंड है ब्राह्मण ने, थर्ड है राजा ने। तो फर्स्ट तो नहीं आएगा क्योंकि उसकी पत्नी ने नहीं कहा, सेकेंड है ब्राह्मण ने, तो आपको ब्राह्मण ने पे टिक लगाएंगे, है ना। और राजा जी ने भी नहीं कहा, किसने कहा था, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा था कि ब्राह्मण को धन की क्या जरूरत। अब खा नंबर पर देखते, ब्राह्मण ने राजा से उनकी कमाई में से कितने पैसे मांगे, ठीक है, तो चार आने, चार पैसे, पांच पैसे, दस पैसे, कितने मांगे थे बच्चों, ना पांच मांगे थे ना दस मांगे थे, कितने मांगे थे, चार आने, तो हम चार आने पर टिक करेंगे। अब गा नंबर पे देखते, राजा व रानी ने किसके यहाँ मजदूरी की, किसके यहाँ की थी, सुनार के यहाँ, किसान के यहाँ, लोहार के यहाँ, सुनार के यहाँ भी नहीं की थी और किसान के यहाँ भी नहीं की थी, किसके यहाँ की थी, लोहार के, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे लोहार। अब अगला देखते, ब्राह्मण ने राजा को जो बीज दिए वे असल में क्या थे, के अनार के बीज, सच्चे मोती, संतरे के बीज, तो ना अनार के बीज थे और ना संतरे के बीज थे, किसके बीज थे, सच्चे मोती, तो हम किस पे टिक करेंगे, सच्चे मोती, ठीक है बच्चों। अब आपका होमवर्क क्या है, जो अगले शब्द अर्थ लिखवाए हैं हमने पांच, तो उसको आज आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, कौन कौन से, गृहस्थी, भला मानुष, अचंबा, प्रण और जायजात, ठीक है बच्चों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।